हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 2। हेडिंग है फैक्टराइज। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, सभी का हेडिंग यही रहेगा, फैक्टराइज, है ना। लगभग लगभग का हेडिंग फैक्टराइज ही रहेगा, बस तरीके अलग होंगे फैक्टराइज करने के अलग अलग क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में क्या तरीका लगा सकते हैं, कॉमन फैक्टर मेथड यही नहीं यूज हो सकता है क्योंकि कॉमन है ही नहीं कुछ। उन दोनों आइडेंटिटी में से भी कोई नहीं यूज हो सकता क्योंकि तीन टर्म नहीं है, लेकिन एक आइडेंटिटी नीचे भी लिखे हैं, ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला यूज हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ तो स्क्वायर है ना, यहाँ काम हो सकता है। बस दिक्कत यह है कि इनके साथ नंबर जुड़े हुए हैं, कुछ कोफिशियंट है, वो भी स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। तो इसको हम स्क्वायर नंबर है तो स्क्वायर फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, टू पी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया हूँ कि हम ऐसा इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी एक बार बता दे रहे हैं, देखो पी का तो स्क्वायर है लेकिन फोर जो है इसका स्क्वायर नहीं है ना। ये देखो यहाँ पर जो ए है ए का स्क्वायर है ना, और यहाँ पर ए की जगह फोर भी लिखा है पी भी लिखा है, तो स्क्वायर पी का तो है फोर का नहीं है, तो फोर को स्क्वायर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो फोर को स्क्वायर फॉर्म में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, टू का स्क्वायर। तो टू का भी स्क्वायर और पी का भी स्क्वायर दोनों का है स्क्वायर, तो जब ब्रैकेट लगा देंगे तो एक ही बार स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं टू पी का होल स्क्वायर। और वैसे भी देखो फोर पी स्क्वायर बना कैसे, तो टू पी इंटू टू पी, तो टू टू जा फोर और पी का पी में मल्टीप्लाई होगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फोर पी स्क्वायर ऐसे बना हुआ है, टू पी का टू पी में दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। माइनस है माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थ्री क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि नाइन जो है वो थ्री का स्क्वायर है, यहाँ कुछ स्क्वायर नंबर ही होगा, ठीक है। बस हो गया, सॉल्व हो गया, बस थर्ड स्टेप में आंसर। तो इसका क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी जहाँ ए है वहाँ हमारा टू पी हो गया और जहाँ बी है वहाँ हमारा क्या हो गया, थ्री क्यू हो गया। ब्रैकेट में आप फार्मूला वो वाला लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। चलो लिख दो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी टू पी प्लस थ्री क्यू और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी टू पी माइनस थ्री क्यू, ठीक है। बीच में कोई सिंबल मत लगाना, फार्मूला देखो सिंबल नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, यानी इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर हैं, एक ये और एक ये, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, यानी फैक्टराइज हो चुका है। ये वाली लाइन जो है आपके बेटा वो आंसर है, ठीक है। तो आइए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में भी फार्मूला यही वाला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ना, ठीक है। लेकिन यहाँ एक मामला फंस रहा है बेटा, हमने आपको बताया था कि इसके बगल जो नंबर मिलेगा कोफिशियंट इसका, वो कोई स्क्वायर नंबर होगा, यहाँ पर तो स्क्वायर नंबर नहीं है ना, मामला तो फंस गया। अब क्या करेंगे, तो कुछ जुगाड़ लगाएंगे, ठीक है, बनाएंगे स्क्वायर नंबर इसको। जब ना दिमाग काम करे ना तो सोचो कुछ ना कुछ तो कॉमन जरूर होगा इनसे, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, 63 और 112 में क्या कॉमन है, तो कॉमन क्या है ये पता करने के लिए हमें इनके फैक्टर लिखने पड़ेंगे। जैसे 63 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 इंटू 7, 9 7 जा 63, तो 63 को हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटू ए स्क्वायर तो है ही, इसको ए इंटू ए लिख दो। माइनस 112 को क्या लिख सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 63 का तो वैसे कर लिए डायरेक्ट, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते थे इस तरीके से, ठीक है, आएगा यही 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 से गया 5 बार और ये 6 बार ना, 2 5 जा 10, 1 बच गया 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बच गया 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से गया तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से गया तो 2 7 जा 14, 7 तो 7 से ही जाएगा। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए बेटा, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो 7 में या 6 में आप सीख चुके हैं। तो 112 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार है, 4 बार है, इंटू 7, ठीक है, और इंटू बी स्क्वायर है तो बी इंटू बी, ठीक है बेटा। अब कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन होगा, क्या चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, 7 है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, और कुछ नहीं, 7 जो कॉमन है उसको हम बाहर लिख लेंगे
बाकी चीजों को हम ब्रेकेट में लिख देंगे। ठीक, अब बचा क्या, 3 × 3 बचा, यानी 3 का स्क्वायर बचा, 3 × 3 3 का स्क्वायर, और ए इंटू ए यानी ए का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे क्या बचा भाई, 2 × 2 × 2 × 2, यानी 4 बार है 2, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में 4। ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 ना, तो 2 बार 4 लिख सकते हैं, यानी 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 7 तो बाहर चला गया है, बचा क्या, b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, क्योंकि देखो 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 16 हुआ ना, और 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमने स्क्वायर अलग अलग लिखा है, आप इसी वाले में डायरेक्ट ऐसा कर सकते थे कि 3a का होल स्क्वायर लिख सकते थे। ठीक है, ब्रेकेट अब दूसरा लगाना पड़ेगा, इसी में आप डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हैं, तो मैंने तो एक स्टेप बढ़ा दिए है। ठीक है, क्योंकि 3 2 बार है, ए भी 2 बार है, तो 3a का होल स्क्वायर हो सकता था ये, माइनस यहां भी क्या लिख सकते हैं, 4b का होल स्क्वायर। होल लगाने का मतलब ये है कि 4 के भी स्क्वायर में है और बी के भी स्क्वायर में। ठीक है, अब ये आपका बन गया है जैसा आप चाहते हैं, a² - b² ठीक है, बन गया है ना, ए की जगह क्या है 3a और बी की जगह क्या है 4b। ठीक बेटा, तो एक ब्रैकेट में a+b हो जाएगा, ए मतलब 3a प्लस बी मतलब 4b, और दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो ए मतलब 3a - b मतलब 4b। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। ठीक, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, यहाँ 3 है लेकिन ये ब्रैकेट में लगा हुआ है ना बेटा, तो 3 का भी स्क्वायर है, यहाँ 4 का भी स्क्वायर है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। आइए थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट में आसान है यहाँ, क्योंकि जो 49 है वो किसी का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर ना, 7 × 7 = 49, और यहाँ भी जो है वो भी किसी का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 और x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, 6 × 6 = 36 होता है, बस हो गया काम, ये पूरा a हो गया और ये इतना b हो गया, तो a² - b² तो एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो एक ब्रैकेट में a+b, a की जगह क्या है पूरा 7x और b की जगह क्या है 6, दूसरे ब्रैकेट में a - b, a की जगह क्या है 7x प्लस माइनस, अच्छा पहले हम प्लस लिख दिए, दूसरे माइनस लिखना पड़ेगा, पहले माइनस करेंगे दूसरे में प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस बी मतलब 6, ये आपका आंसर है। ठीक, आसान क्वेश्चन था, आइए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट में भी थोड़ा सा मामला गड़बड़ है ना, यहाँ स्क्वायर नहीं है और हम लोग स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, है ना, तो क्या करेंगे, जब ना समझ में आए तो कॉमन लेंगे फिर। ठीक है, कॉमन लेने के बाद समझ आने लगेगा, तो कॉमन लेने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, तो इसका फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 16 का 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, और x है 5 बार, तो x को बेटा 5 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, माइनस है माइनस 144 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 144 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, पहले 2 से गया तो 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, फिर 2 से गया तो 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, फिर 2 से गया तो 18 × 2 = 36, फिर 2 से गया तो 9, 9 तो 3 से जाता है 3 टाइम्स, फिर 3 जो है 1, 3 से जाएगा 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, यानी 2 × 2 × 2 × 2, और 2 बार 3 आया है, × 3 × 3 ×, और x कितनी बार है, 3 बार, x × x × x। ठीक है बेटा, इतना हो गया, अब कॉमन लेते हैं, चलिए क्या क्या है जो कौन दोनों में है,
तो दोनों में टू जो है दोनों में है, कितनी बार है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार बार दोनों में है, ठीक है, पूरा चार बार टू कॉमन ले लेंगे हम, ठीक। और चार बार टू का मतलब हुआ क्या, सिक्सटीन है ना, सिक्सटीन हम बाहर ले लिए, यानी चार बार टू बाहर ले लिए, चाहे तो चार बार टू अलग अलग लिखें या सिक्सटीन ही लिख दें, बात एक ही है। और कुछ है जो दोनों में है, एक्स, ठीक है, एक्स यहाँ भी है वहाँ भी है, लेकिन यहाँ पांच है वहां तीन ही है, तो कम से कम तीन बार है ना, तो तीन बार एक्स ले लिए। अब तीन बार एक्स का मतलब एक्स का क्यूब, ठीक है। अब जो बचा वो लिख देते हैं, यहां से चार बार दो बाहर चला गया, तीन बार एक्स बाहर चला गया, तो दो बार एक्स बचा, यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है। वहां क्या बचा भाई, चार बार दो बाहर गया, तीन बार एक्स बाहर गया, केवल तीन बचा, वो भी दो बार, तो वहां लिख देंगे तीन का स्क्वायर, तीन दो बार बचा है ना, तो तीन का स्क्वायर। ये माइनस कहाँ से आया, यहां से आया, और ये कहाँ से आया, यहां से। अब इनको अलग ही रहने दो, और वो देखो बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, सिक्सटीन एक्स क्यूब ऐसे ही रहने दो, और उनको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी एक्स प्लस थ्री, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी एक्स माइनस थ्री, ठीक है बेटा, ये आपका है आंसर, ठीक। आइए फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, आपको समझ में नहीं आएगा करें क्या, यहाँ पर आपका दिमाग ये कर रहा होगा कि इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर मानकर वैसा खोल दें, और इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर मानकर ऐसा खोल दें, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और अगर सोचो तो इसको हम इस तरीके से भी मान सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे, अगर इस पूरे को हम ए मान लें और इस पूरे को हम बी मान लें, माइनस तो है ही बीच में, ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, वो हम कर सकते हैं, ठीक है, चलिए कर देते हैं। बस आपको जो ए मानना है, ये जो ए है, ए मतलब क्या, ये पूरा एल प्लस एम ये ए है, और एल माइनस एम ये बी है, ठीक है बेटा। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, ठीक है बेटा। एक ब्रैकेट में ये हो गया ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए मतलब एल प्लस एम माइनस, बी मतलब एल माइनस एम, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, हमने ए प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस तरीके से लिख दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट जब ये खुलेगा तो यहां पर होगा क्या, देखो ये हो गया एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, हो गया ना, ये इस वाले ब्रैकेट में ब्रैकेट खोलो, एल प्लस एम माइनस एल, अब क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल बदल जाएगा, ये प्लस का एम हो जाएगा, यही आप गलती करेंगे, ठीक है, बाहर माइनस है ना, और ब्रैकेट खुल रहा है तो अंदर सिंबल बदलेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और एल जो है अभी तक प्लस का था, अब माइनस का हो गया है ऑटोमेटिक, ठीक है बेटा। यहाँ बाहर प्लस था इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, वैसे ही खोल दिए। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो अगर आप ध्यान दें बेटा, एक एम जो है वो प्लस का है, दूसरा एम माइनस का है, तो इसको हम काट सकते हैं, प्लस माइनस कट जाते हैं, तो बचा क्या, एल प्लस एल यानी टू एल, ठीक है, एक ब्रैकेट में बचा, इस वाले ब्रैकेट सॉल्व करके बस इतना सा बचा। यहाँ पर देखिए क्या बचा, एक एल प्लस का है और एक माइनस का एल है, तो प्लस का एल और माइनस का एल कट जाएगा, बचा क्या, एम प्लस एम यानी टू एम, ये दूसरे ब्रैकेट में बचा, ठीक है। अब ब्रैकेट है ब्रैकेट है ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी जो कौन सा सिंबल होता है, मल्टीप्लाई का, यानी इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, लिखे या ना लिखे मल्टीप्लाई सिंबल, मल्टीप्लाई कर दो, टू टू जा फोर, और एल और एम का मल्टीप्लाई तो एल एम ही होगा, है ना, देखो टू टू जब फोर हो गया और एल एम हो गया,
अब एलजेब्रा पढ़ चुके हैं तो इतना तो आप जानते ही हैं, तो 4 LM इसका आंसर होगा बेटा। ठीक है, आइए सिक्स पार्ट देख लेते हैं। सिक्स पार्ट में दो टर्म है, यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है और इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं क्या, 4 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये जो 9 है इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और ये x का स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको अगर हम पूरा मिला कर लिखें तो तीनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो ऐसा लिख सकते हैं 3xy और तीनों का होल स्क्वायर। ठीक है, तीनों में ही लगा है तो ब्रैकेट लगा के पूरा का स्क्वायर लिख दिए, माइनस ये तो 4 का स्क्वायर है। ठीक, ये स्टेप आप स्किप करके डायरेक्ट ये वाला लिख सकते थे। ठीक है, मैं समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा दिया। अब ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये पूरा ए हो गया 3xy, ये पूरा ए है माइनस, और ये क्या है 4b है। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी 3xy प्लस बी, बी मतलब 4, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 3xy माइनस 4। ठीक है बेटा, ये सॉल्व हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक, फैक्टराइज हो गया। आइए सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं। सेवेंथ पार्ट में क्या लग सकता है फॉर्मूला, अगर आप ब्रैकेट के अंदर की बात करें, मैंने आपको बताया जब आपको कुछ ना समझ आए तो आप ब्रैकेट खोलने के बारे में सोच लिया करो ना। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है, क्या हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं किसी तरीके से ना, ये तो मान लो बी स्क्वायर का काम कर जाएगा, इसको हम ए स्क्वायर फॉर्म में बना सकते हैं, बना सकते हैं कैसे। अगर आप ध्यान दें तो दिखने में किसकी तरह लग रहा है, ये पूरा दिखने में लग रहा है इसकी तरह, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। देखो ए की जगह x है, बी की जगह y है और xy है बीच में, तो जब इसकी तरह दिख रहा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह x है और बी की जगह y है, इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख दिए। ठीक, इसको हम पूरे को ऐसा लिख दिए और ये माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऐसा हम इसको लिख दिए। अब देखो ये पूरा अगर हम ए मान लें, पूरा एक्स माइनस वाई को, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी एक्स माइनस वाई, ये तो ए हो गया, प्लस बी, बी मतलब जेड, ये एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई, ये तो ए हो गया माइनस बी, बी मतलब जेड। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल देते हैं, क्या आएगा यहां पर ब्रैकेट खोलने के बाद, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ब्रैकेट खोलने का कोई फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि ये माइनस बाद में है इसलिए अंदर के सिंबल नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, अब इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करना नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में ही तो फैक्टराइज माना जाता है हमारा, तो ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एट पार्ट देख लेते हैं। एट पार्ट जो है थोड़ा स्पेशल है। ठीक है, अभी तो आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 14.2, उसमें सेकेंड क्वेश्चन जिसमें आपको पता है कि ये फार्मूले यूज होंगे सारे क्वेश्चन में ना, तो किसी न किसी तरीके से आप उसको ऐसा बनाना चाहेंगे, लेकिन जब आपको ये एग्जाम में मिल जाएगा इंडिपेंडेंट एक क्वेश्चन, तब आप सोचेंगे इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि इसमें 4 टर्म है, आप 3 टर्म वाला जानते हैं, आप 4 टर्म वाला भी जानते हैं, लेकिन उसमें रिग्रुपिंग करते हैं ना, तो आप चेक करना कैसे शुरू करेंगे, पहले कॉमन फैक्टर आपने सीखा है तो पहले कॉमन फैक्टर्स देखो, क्या कुछ ऐसा है जो सब में है, तो बेटा आपको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जो सब में है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, इस 28 में 7 है, 49 में भी 7 है, देखो 28 मतलब 7 4 28, 7 7 49, इन दोनों में 7 है, लेकिन फिर इन दोनों में भी तो कुछ मिलना चाहिए है ना, तो यानी कॉमन फैक्टर मेथड तो नहीं लग पाएगा। अब रीग्रुपिंग वाला देख लेते हैं, रीग्रुपिंग मतलब दो दो का बढ़ा करके, तो इन दोनों का तो बन जाएगा, इन दोनों का नहीं बन रहा है यानी रीग्रुपिंग भी नहीं लगेगा।
ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सीखे आइडेंटिटी वाला, तो कहीं ना कहीं इसको आइडेंटिटी वाला जुगाड़ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, तो ये वाला तो मुश्किल लग रहा है अभी ना। स्क्वायर यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। तो अगर हम इसको छोड़ दें, 25a² को अलग कर दें, तो ये जो बचा इतना, ये आपका कुछ कुछ इसकी तरह लग रहा है ना। यानी इतने में हम ये वाला या ये वाला लगा सकते हैं, इसको अगर अलग कर दें तब। ठीक है, वही करेंगे भी हम लोग, ठीक बेटा। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर प्लस होना चाहिए। देखो इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, बीच में कुछ भी हो सकता है, यहाँ प्लस होना चाहिए। वो प्लस हो जाएगा कैसे, देखिए कैसे। इसको हम लिखेंगे 25a² को, 25a², इसको हम बाहर ले लेते हैं, और ये माइनस लगा करके हम ब्रेकेट लगा देते हैं एक, ठीक है। और आपको पता है ये माइनस बाहर ही है। अब अगर माइनस है बाहर और हम ब्रेकेट अगर हटाते हैं तब भी अंदर के सिंबल बदलते हैं, और बाहर माइनस है और ब्रेकेट लगाते हैं तब भी अंदर के सिंबल बदलते हैं, ठीक है। इसलिए जब माइनस हम बाहर कर लिए, तो अब जो 4 बचा वो प्लस का 4b² बचा, ठीक है। अब माइनस का नहीं रह गया क्योंकि माइनस बाहर ले लिए। ये भी सिंबल बदल जाएगा, ये हो जाएगा -28bc, और ये भी सिंबल बदल जाएगा +49c², ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि बाहर माइनस लगा रहे हैं इसलिए अंदर के सिंबल बदलेंगे, ये प्लस का हो गया, ये माइनस हो गया, वो प्लस का हो गया, ठीक। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। इसको भी हम चाहे तो इसी समय कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम मिलाकर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 5a² इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चल के कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो चाहे हम लोग यही कर ले रहे हैं या फिर यहीं पर कर सकते थे। माइनस से माइनस लगाइए, ब्रेकेट लगाइए, ठीक है। अब इसको भी हम इस तरीके से लिखेंगे ना। b का तो स्क्वायर है लेकिन 4 का नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2b² होल स्क्वायर। इतना आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 7c² होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। बचा क्या बीच में, -2ab इस वाली आइडेंटिटी के हिसाब से, ठीक है। तो a हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 2b, और b हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 7c, ठीक है। b की जगह 7c, ये हो गया हमारा इतना। अब ये हम रहेगा 5a² माइनस। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, a-b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, a यानी 2b-b यानी 7c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा आपका दिमाग काम कर रहा होगा कुछ कुछ ना, कि सर ने इसको कैसा बना दिया, ऐसा बना दिया, a² - b² ए ये हो गया 5a, और b ये पूरा का पूरा b हो गया, ठीक है। 2b-7c ये पूरा पूरा क्या हो गया, b। तो a² - b² तो एक ब्रैकेट में a+b, एक ब्रैकेट में a-b, यही तो होगा। तो एक ब्रैकेट में लिख देते हैं a+b यानी 5a+b, और b का मतलब 2b-7c, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में हो गया। मैं बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि छोटा भी यूज हो रहा है ना इसलिए। और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, a-b, तो a की जगह 5a-b की जगह 2b-7c, ठीक है। बस अब ब्रैकेट खोल देते हैं, इसके नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि नहीं पता नहीं, एक मिनट मैं देख ले रहा हूँ। अब इसके नीचे लिखने पर नहीं दिखेगा तो मैं आगे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पे आगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट खोल दे रहे हैं, तो हो गया क्या, ब्रैकेट खोलने के बाद देखो, 5x+2b-7c, बस ब्रैकेट खुल जाएगा, कुछ होगा नहीं क्योंकि बाहर प्लस है, -7c। एक ब्रैकेट में ये हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ बाहर माइनस है तो सिंबल बदल जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में थोड़ा यहाँ लगा रहा हूँ, जगह आगे नहीं है ना, तो दूसरा ब्रैकेट में यहाँ लिख दे रहा हूँ,
लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे तो वहीं पर लिखते हैं। दूसरा क्या होगा, फाइव ए माइनस, फाइव ए माइनस टू बी, ठीक है, टू बी देखो प्लस का है ना, लेकिन बाहर माइनस है तो अब माइनस का टू बी हो गया, माइनस सेवन सी, अब बाहर माइनस है तो अब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस सेवन सी हो जाएगा, प्लस सेवन सी, ठीक है बेटा, यही आपका आंसर है। ये इतना ये मेरी हैबिट है गोला करने की आंसर को, ठीक है, अब तक तो आप लोग समझ भी गए होंगे। तो ये सेकंड का लास्ट पार्ट था, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में, तब तक के लिए जय हिंद।